लगातार खबरों में हमारे साथ ताबुन किया है काबा फ्यूजन और मियामी वाइस ने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ओपीटीवी ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पेशावर में किस्सा खानी की जामा मस्जिद में नमाज जुम्मा के दौरान धमाके के नतीजे में 31 अफराद शहीद हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक धमाका किस्सा खानी में कूचा रिसालदार की जामा मस्जिद में हुआ, जिसमें 50 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी पार्लियामेंट हमला केस में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश हो गए। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज मोहम्मद अली बड़ाइश ने पार्लियामेंट हमला केस की समाअत की, जिस सिलसिले में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी अपने वकील बाबर अवान के हमरा अदालत पहुंचे। पाकिस्तान में कोरोना की शरह 2% पर बरकरार है। एक रोज में 900 से ज्यादा केस सामने आए हैं। तफसीलात के मुताबिक नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना वबा के ताज़ा तरीन अदादोशुमार जारी कर दिए हैं, जिसमें बताया गया है कि मुल्क में 24 घंटों में कोरोना से मजीद 11 मरीज जाबाहक हो गए हैं, जिसके बाद कोरोना से इंतकाल करने वाले अफराद की मजमूई तादाद 30,248 हो गई है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंसूखी के लिए अमली कदम उठा लिया है। मुस्लिम लीग नून ने पैका ऑर्डिनेंस के मामले पर कौमी असम्बली में करारदाद जमा करा दी है, जिसे ऐवान में पेश करने का मुतालबा किया गया है। करतारपुर राहदारी से बिछड़ों को मिलाने का सिलसिला जारी है। मिलन और अमन की राहदारी ने 1971 से बिछड़ी नंद और भावज और इनके खानदानों को 51 साल बाद गले मिलवा दिया। वफाकी वजीर इत्तला'आत फवाद चौधरी का कहना है कि वजीर आजम इमरान खान पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मैच देखने आएंगे। पिंडी स्टेडियम में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि देखते हैं वजीर आजम आज आते हैं या कल, मगर वो इंशाल्लाह मैच देखने जरूर आएंगे। रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात में आम शहरियों को महफूज राहदारी फराहम करने पर इत्तेफाक हो गया है। बरतानवी खबर रसा एजेंसी राइटर्स के मुताबिक यूक्रेन के एक मुज़ाकरात कार ने जुमेरात को कहा कि रूस के साथ जंगबंदी के दूसरे दौर के मुज़ाकरात के वो नतीजे नहीं निकले जिसकी हमें उम्मीद थी। सऊदी अरब ने रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी तनाव के हल के लिए साहसी का किरदार अदा करने की पेशकश कर दी है। रूस के सदर प्यूटिन ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर राबता किया। 27 अरब रुपए मालियत की दुनिया की तकरीबन 4,000 महंगी गाड़ियों से लदा फेलिसिटी एस नामी माल बरदार बहरी जहाज बहर ओकियानूस में डूब गया। एसएसजी ने आज से सिंध भर में सीएनजी स्टेशंस 72 घंटों के लिए बंद कर दिया है। सुई सुदन गैस कंपनी ने गैस लोड मैनेजमेंट प्लान तरतीब दे दिया है, जिसके तहत सिंध के तमाम सीएनजी स्टेशंस को जुम्मे से पीर तक 72 घंटों के लिए गैस की फराहमी बंद कर दी जाएगी। नाक कान और हलक से मुतालिक अमराज के माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि दुनिया भर में 2050 तक समात के मसाइल के शिकार अफराद की तादाद 900 मिलियन यानी 90 करोड़ हो जाएगी, जो आज यानी 2022 में समात के अमराज में मुब्तला अफराद 450 मिलियन से दुगनी होगी। बॉलीवुड अदाकारा शिल्पा शेट्टी ने रियलिटी शो इंडियाज गॉट टैलेंट के दौरान मशहूर हिदायतकार रोहित शेट्टी को शीशे की बोतल मार दी। शिल्पा शेट्टी ने इस वाकये की वीडियो इंस्टाग्राम पर भी शेयर की है। वीडियो में देखा जा सकता है कि रोहित गुलुकार बादशाह के साथ गुफ्तगू में मसरूफ हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने पढ़ाई में दिल ना लगने पर तालिब इल्म को मुनफरद मशवरा दे दिया। शाहरुख खान सितम्बर 2021 से सोशल मीडिया से दूर थे और इनका अकाउंट मुकम्मल तौर पर गैर फाल था। 14 फरवरी को इनके अकाउंट से एक ट्वीट रीट्वीट की गई थी। पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल होने वाली दुनिया की मकबूल तरीन एप्लीकेशन व्हाट्सएप ने एक और जबरदस्त फीचर पर काम करना शुरू कर दिया है। व्हाट्सएप सारिफिन किसी को फौरी पैगाम अरसाल करने के लिए वॉइस नोट के फीचर का इस्तेमाल करते थे, जिससे वक्त की बचत होती थी और पैगाम मुकम्मल तौर पर मौसूल करने वाले को समझ भी आ जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव फैसल हसनैन ने ऑस्ट्रेलिया से सीरीज को तारीखी करार देते हुए कहा कि आज के दिन के लिए पाकिस्तान ने 24 बरस का इंतजार किया। रावलपिंडी में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड के हुकाम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी का कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख का आज अहम दिन है। फख्र है कि मेरे साथ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अहदेदारान बैठे हैं। शादी करें आप, खर्चा उठाएगी हुकूमत। जी हाँ, दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जहाँ जोड़े को शादी करने पर लाखों रुपए दिए जाएंगे। हार्डनेस आपने मुलाहिजा की, आप चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home.
Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. किस्सा खवानी की जामा मस्जिद में नमाज जुम्मा के दौरान धमाके के नतीजे में 31 अफराद शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक धमाका किस्सा खवानी में कूचा रिसालदार की जामा मस्जिद में हुआ, जिसमें 50 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू हुकाम का बताना है कि धमाके में शहीद होने वालों की लाशें लेडी रीडिंग अस्पताल लाई गई हैं, जबकि जख्मियों को भी अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। तर्जुमान लेडी रीडिंग अस्पताल ने धमाके में 31 अफराद के शहीद होने की तस्दीक की है। SSP ऑपरेशंस का कहना था कि किस्सा खवानी बाजार की मस्जिद में होने वाला धमाका खुदकश था। सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी और सिक्योरिटी के लिए मस्जिद के गेट पर 2 कांस्टेबल तैनात थे। उन्होंने कहा कि इब्तदाई इत्तला के मुताबिक धमाका खुदकश था और हमलावर पहले पुलिस अहलकार के पास आया, फिर दहशतगर्दों के साथ फायरिंग का तबादला भी हुआ। धमाके में एक अहलकार शहीद हुआ और दूसरा जख्मी है। हारून रशीद का बताना है कि धमाके के बाद पुलिस ने इलाके का मुहासरा कर लिया है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद ही मुकम्मल तफसीलात बताई जा सकेंगी। धमाके के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारे जाए वकूआ पर पहुंच गए हैं और इलाके को घेरे में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि वाकये की तहकीकात शुरू कर दी है और बम डिस्पोजेबल स्क्वाड को भी तलब किया गया है, जिसके बाद धमाके की नौयत के बारे में बताया जाएगा। एनी शाहिद के मुताबिक काले लिबास में मलबूस खुदकश हमलावर ने पहले सिक्योरिटी अहलकारों पर 5 से 6 फायर किए और फिर तेजी से मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ और खुद को उड़ा दिया। एनी शाहिद ने बताया कि खुदकश हमलावर ने खुद को मिंबर के सामने उड़ाया और धमाके के बाद मस्जिद के हॉल में हर तरफ इंसानी अज़ा फैल गए। दूसरी जानिब वज़ीर आला ख़ैबर पख्तूनख्वा के मामू ने खुसूसी बैरिस्टर सैफ का कहना है कि इत्तला है कि दहशतगर्दों ने पहले मस्जिद में घुसने की कोशिश की, दहशतगर्दों का पुलिस के साथ फायरिंग का तबादला हुआ, एक दहशतगर्द मस्जिद में दाखिल हुआ और कार्रवाई की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेशावर धमाके की मज़म्मत करते हुए इसकी रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आज़म ने जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत जारी की है। सदर आरिफ अलवी ने अदालत में पेशी के मौके पर सदारती इस्तिस्ना ना लेने की दरख्वास्त जमा करा दी है। सदर मुमलिकत का कहना है कि मैंने इस्लामी तारीख का मुताला करने की कोशिश की, इस्तिस्ना की गुंजाइश नहीं। आईने पाकिस्तान का पाबंद हूँ, कुरान पाक इससे बड़ा आइन है, मुझे आईने पाकिस्तान इस्तिस्ना देता है, मगर मैं ये इस्तिस्ना नहीं लेना चाहता। जितने खल्फा आए वो अदालतों में बड़े बावकार अंदाज में पेश हुए हैं। आरिफ अलवी ने कहा कि 2016 में मुझ पर चार्ज लगाया गया था, इसी अदालत से जमानत भी ली थी। पूरी अदलिया से दरख्वास्त की है कि जल्दी फैसले हो, क्योंकि मुकदमा होता है और फिर इनकी नस्लें ये नस्लें केस चलाती हैं। मेरे वालिद ने 1977 में मुकदमा किया था, वो भी आज तक चल रहा है। बादशाह मीडिया से बातचीत में सदर मुमलिकत ने कहा कि मुझे पता चला कि इस केस का फैसला लिखा जा चुका है। मुझ पर इल्ज़ाम था कि मैंने हथियार सप्लाई किए हैं। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तानी कवानीन का पाबंद हूँ, मगर इस मुकदमे में इस्तिस्ना नहीं लेना चाहता। सदर पाकिस्तान नहीं बल्कि आम शहरी की हैसियत से पेश हुआ था।
एनसीओसी का कहना है कि 24 घंटे में कोरोना के 36,678 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से मजीद 953 अफराद में कोरोना मजबूत निकला है। इस दौरान मुल्क में कोरोना के केसेस मजबूत आने की शरह 2.59% रही है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने बताया कि मुल्क में कोरोना के 890 मरीज इंतहाई निगहताश हालत में जेर इलाज हैं, जबकि मुल्क भर में कोरोना से मुतासर होने वालों की मजमूई तादाद 15,12,707 तक जा पहुंची है। अदाद शुमार के मुताबिक सिंध में कोरोना केसेस की तादाद 5,59,388 हो गई है, पंजाब में 5,02,264, खैबर पख्तूनख्वा में 2,16,614 और बलूचिस्तान में 35,661 है, जबकि इस्लामाबाद में 1,34,519, गिलगित बल्तिस्तान में 11,583 और आजाद कश्मीर में 43,068 केसेज सामने आ चुके हैं। नून लीग का कहना है कि करारदाद की मंजूरी से पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस मंसूख हो जाएगा। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के रुकन आगा रफीउल्लाह ने भी पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंसूखी के लिए नोटिस कौमी असम्बली में जमा करा दिया है। नोटिस में दरख्वास्त की गई है कि कौमी असम्बली पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस पर बहस करके इसे नामंजूर करे। करतारपुर राहदारी के जरिए गुरुद्वारा पर भारत से सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी है और राहदारी ने कई दहाइयों से बिछड़े एक और खानदान को मिला दिया है। दरबार इंतजामिया के मुताबिक 1971 में जफरवाल की बाबी देवी का खानदान बिछड़ गया था, जबकि बाबी देवी का भाई गौरव दासपुर में जा बसा था। राहदारी के जरिए दोनों खानदान करतारपुर पहुंचे, जहां दोनों खानदान मिलकर आबदीदा हो गए। दरबार इंतजामिया का कहना है कि राहदारी के जरिए मजीद 291 यात्री दरबार पहुंचे हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि हम पाकिस्तान और भारत में खेल को फरोग देना चाहते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान खेलने आए, भारत साजिशों के बजाय पाकिस्तान आकर मैच खेले। इस मौके पर उन्होंने ओपोजिशन को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ओपोजिशन अनफिट बहुत है, वरना इनके साथ मैच जरूर खेलेंगे। लॉन्ग और शॉर्ट मार्च करने वाले पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में टेस्ट क्रिकेट देखने आए, ओपोजिशन के लिए टिकटों का बंदोबस्त भी कर देंगे। वजीर इत्तलात का कहना था कि पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल हो रहा है और ओपोजिशन लॉन्ग मार्च कर रही है। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में बड़ा इवेंट हो रहा है। शेख रशीद को कहा कि लॉन्ग मार्च को स्टेडियम के अतराफ में भी नहीं लाना चाहिए, वरना इमेज खराब होगा। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। बरतानवी खबर रिसा एजेंसी राइटर्स के मुताबिक यूक्रेन के एक मुजाकरात कार ने जुमेरात को कहा कि रूस के साथ जंगबंदी के दूसरे दौर के मुजाकरात के वो नतीजे नहीं निकले जिसकी हमें उम्मीद थी, लेकिन दोनों मुल्क आम शहरियों के इनखला के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर राहदारी फराम करने पर समझौता कर चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के सदारती मुशीर मिखाइलो पोदोलियाक ने कहा है कि दोनों मुल्कों ने शहरियों के इनखला की इजाजत देने के लिए मुमकिन आर्जी जंगबंदी तसव्वुर कर ली है। उन्होंने मजीद कहा कि इस फैसले पर अमल दरामा सिर्फ उन जगहों पर ही होगा जहां इंसानी हमदर्दी की राहदारी खुद कायम होगी, जिसकी वजह से इंकला की मुद्दत तक फायरबंदी करना मुमकिन होगा। वादा है कि इससे कबल दोनों मुल्क इन जगहों पर अद्वियात और खुराक की तरसील पर भी समझौता कर चुके हैं। जहां शदीद तरीन लड़ाई हो रही थी, रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से ये पहला मौका था कि दोनों फरकीन ने किसी भी मामले पर किसी भी किस्म की पेशरफ पर इत्तेफाक किया है। सऊदी अरब और रूस के दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत यूक्रेन के मसले पर भी बातचीत हुई है। सऊदी मीडिया के मुताबिक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने यूक्रेन मसले के हल के लिए मुजाकरात पर जोर दिया और तनाजे के हल के लिए सासे का किरदार अदा करने पर आमादगी भी जाहिर की। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का कहना था कि रूस और यूक्रेन के दरमियान सासी के लिए तमाम कोशिशें बरोए कार लाएंगे। सऊदी मीडिया का कहना है कि व्लादिमीर पुतिन और मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान यूक्रेन बहरान की तबानाई की मंडियों पर असरात पर भी तबादला ख्याल किया गया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इस्तेकाम बरकरार रखने के अजम का आदा भी किया और तेल मार्केट में तवाजन के लिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सप्लोरिंग कंपनीज ओपेक प्लस को अपना किरदार अदा करने पर जोर देते हुए कहा कि ओपेक प्लस मुआहदे को बरकरार रखना जरूरी है। एक नज़र कम्युनिटी न्यूज पर। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगल के रोज जर्मनी से अमेरिका जाने वाला माल बरदार बहरी जहाज पुर्तगाल के करीबी जजीरे एजबर्ट से तकरीबन 250 मील दूर टूट गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जहाज में 16 फरवरी को आग लगी थी, जिसके बाद कश्तियों की मदद से तमाम अमले को बाहिफाजत निकाल लिया गया था। ताहम जहाज मंगल के रोज इस वक्त समंदर बुर्द हुआ जब रेस्क्यू टीमें इसे किनारे की तरफ ले जा रही थी। फयाल जजीरे पर करीबी बंदरगाह के कप्तान ने बरतानिया खबर रसा एजेंसी से बात करते हुए बताया कि जब जहाज को किनारे की तरफ ले जाने के लिए खींचा जा रहा था तो इसमें पानी आना शुरू हो गया,
जिसके बाद जहाज अपना इस्तेकाम खो बैठा और डूब गया। इत्तलात है कि जहाज से तेल के इखराज की कोई खबर सामने नहीं आई। ताहम इस हुकाम के हवाले से तहकीकात कर रहे हैं। गाड़ियां बनाने वाली कंपनी बेंटले का कहना है कि 179 नई कारें जहाज पर थी, जबकि गाड़ियों को जर्मनी से अमरीका पहुँचाया जाना था, जहाँ इन्हें सारिफिन के हवाले करना था। इसके अलावा डूबने वाली गाड़ियों में लैम्बोर्गिनी और दीगर महंगी गाड़ियां भी शामिल थी। तहम इन गाड़ियों के खरीदारों के लिए एक और खुशखबरी ये है कि तमाम गाड़ियां इंश्योरेंस थी, जिसके बाद डूबने वाली गाड़ियों के बदले कंपनी सारिफिन को मुआहदे के मुताबिक रकम या दूसरी गाड़ियां देंगी। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। तर्जुमान सुईसुद्दीन गैस का कहना है कि 4 मार्च को सुबह 8 बजे से पीर की सुबह 8 बजे तक गैस की फराहमी बंद रहेगी। तर्जुमान का कहना है कि घरेलू सार्फीन की जरूरियात पूरी करने के लिए सीएनजी स्टेशंस की बंदिश का फैसला किया गया है। याद रहे कि इससे कबल एसएसजीसी ने कराची समेत सिंध भर में सीएनजी स्टेशंस को 2.5 माह के लिए बंद कर दिया था। इसके अलावा गुज़िश्ता हफ्ते भी सिंध के तमाम सीएनजी स्टेशंस पर गैस जुम्मा 25 फरवरी की सुबह 8 बजे से पीर 28 फरवरी की सुबह 8 बजे तक 72 घंटों के लिए बंद कर दी गई थी। शामिल करते हैं सेहत से मुतालिक कुछ अहम खबरें। मार्च को आलमी यौम समात पर दाऊ यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस और उत्फाव सिविल अस्पताल कराची में मुनक्किदा सेमिनार्स में माहिरीन ने कहा कि पाकिस्तान समेत तरक्की पजीर ममालिक में समाज से मुतासर अफराद की तादाद बढ़ने की वजह शोर की आलूदगी है, जिसे कंट्रोल के लिए बगैर हम समाज से मुतासर अफराद की तादाद कम नहीं कर सकते। WHO ने भी इस खदशे का इजहार किया है कि जल्द ही दुनिया में 1 अरब अफराद समाज के मसाइल का शिकार होने वाले हैं। माहिरीन ने सेहत ने कहा कि दुनिया में आलमगीर वबा कोरोना के बायस घर बैठे ऑनलाइन काम करने वाले अफराद की तादाद में तेजी से इजाफा हुआ है, जिसके नतीजे में खदशा है कि ऑनलाइन काम करने वाले अफराद में अक्सर समाज के मसाइल का शिकार हो सकते हैं। माहिरीन ने ऑनलाइन काम करने वालों को मशवरा दिया है कि काम के दौरान हर घंटे बाद 10 मिनट का वक्फा जरूर लें। माहिरीन ने इंकशाफ किया है कि हैंड्स फ्री और हेडफोन वगैरह का इस्तेमाल लाउड स्पीकर के मुकाबले में समाज के लिए ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि लाउड स्पीकर से सुनने के दौरान तवज्जो किसी और जानिब मबजूल हो सकती है, जबकि हैंड फ्री और माइक्रोफोन से सारी तवज्जो एक ही जानिब रहती है और समाज पर मुसलसल प्रेशर पड़ता है और वक्फा नहीं आता है। नाक कान और हलक के अमराज के माहिरीन ने कहा कि हमारे यहाँ शोर की आलूदगी से मुतासर अफराद की फौरी तशखीस नहीं हो पाती है। सुनने की सलाहियत मुसासिर होने के बावजूद लोग आम अफराद की बात नहीं सुन पाते तो समझ भी नहीं पाते हैं और फिर रद्द अमल का इजहार भी नहीं करते हैं, जिसे लोग समाज से मुतासर अफराद के मुतालिक तरह तरह के तासर कायम कर लेते हैं। कोई उन्हें कुड़मगज़ और कोई उन्हें मगरूर या कामचोर वगैरह भी समझ लेता है। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। दूसरी जानब शिल्पा खड़े होकर रोहित को पुकार रही हैं, तहम रोहित अदाकारा की बात नहीं सुन रहे, जिसके बाद शिल्पा को गुस्सा आया और उन्होंने हिदायतकार के हाथ पर शीशे की बोतल ही तोड़ दी और कहा कि मुझे फिल्म दो। हाथ पर अचानक से बोतल टूटने पर रोहित हैरान हो गए और उन्होंने शिल्पा को कहा कि पागल हो क्या, जिसके जवाब में अदाकारा ने भी कहा कि हाँ मैं पागल हूँ। बजाय ये एक मजाक था और रोहित को मारी गई बोतल फिल्मों में स्टंट के दौरान इस्तेमाल होने वाली बोतल लग रही है, लिहाजा बोतल के अचानक बाजू पर टूटने पर हिदायतकार रोहित शेट्टी महफूज रहे हैं। गुज़िश्ता रोज शाहरुख खान के ट्विटर अकाउंट से उनकी फिल्म पठान की रिलीज की तारीख का ऐलान किया गया है, जिसके साथ ही किंग खान ट्विटर पर दोबारा फाल हो गए हैं। शाहरुख ने मद्दाओं के सवालों के जवाब भी दिए हैं। इसी दौरान उनसे एक तालिबे इल्म ने पूछा कि सर पढ़ाई कैसे करूं, मेरा दिल नहीं लगता है, जिसके जवाब में किंग खान ने दिलचस्प मशवरा देते हुए कहा कि दिमाग इस्तेमाल करो, शायद काम कर जाए, दिल प्यार के लिए रखो। ख्याल रहे कि शाहरुख खान की फिल्म पठान अगले साल 25 जनवरी को रिलीज की जाएगी। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। व्हाट्सएप सारिफीन किसी को फौरी पैगाम अरसाल करने के लिए वॉइस नोट की फीचर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वक्त की बचत होती है और पैगाम मुकम्मल तौर पर मौसूल करने वाले को समझ भी आ जाता है। व्हाट्सएप नहीं चाहता कि इसके सारिफीन मायूस होकर किसी और मैसेजिंग ऐप का रुख करें, इसलिए वो अपने फीचर्स में तब्दीली भी करता रहता है। व्हाट्सएप वॉइस रिकॉर्डिंग के फीचर को मजीद आसान और बेहतर बना रहा है। इस फीचर में तब्दीली वॉइस नोट अरसाल के दौरान रिकॉर्डिंग रोकने, पॉज और फिर प्ले करने की सहूलत फराहम करेगा। इसे अगर कुछ रिकॉर्ड करने के बाद गलती का एहसास हो तो इसे दोबारा मुकम्मल रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं होगी। ये फीचर अभी बीटा वर्जन में है, तमाम सारिफिन तक इसकी रसाई में कुछ वक्त लग सकता है। इससे कबल व्हाट्सएप में अपडेट वर्जन के जरिए बीटा टेस्टर्स के लिए सर्च मैसेजेस शॉर्टकट के नाम से फीचर पेश किया गया था। व्हाट्सएप ने गुज़िश्ता साल न्यू कॉन्टैक्ट इन्फो को अरसास न्यू डिजाइन करते हुए बिजनेस इन्फॉर्मेशन की तरह कर दिया था,
इसी दौरान व्हाट्सएप ने व्हाट्सएप iOS बीटा के लिए कॉन्टैक्ट इन्फो को रीडिजाइन करने पर काम शुरू किया था, जिसमें सर्च शॉर्टकट फीचर भी शामिल था। रिपोर्ट के मुताबिक फीचर को कॉन्टैक्ट इन्फो पेज पर रीडिजाइन किया गया है। कुछ सालिफिन इस शॉर्टकट को ग्रुप इन्फो में भी देख सकते हैं। ताहम अभी तक ग्रुप में काम नहीं कर रहा और इस मसले को भी नई अपडेट में फिक्स कर दिया जाएगा। सर्च मैसेज शॉर्टकट फीचर को आइंदा आने वाली अपडेट में तमाम एंड्रॉइड सालिफिन के लिए जारी किया जाएगा और वर्जन पर अपडेट होने वाले तमाम सालिफिन इससे मुस्तफीद हो सकेंगे। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। रावलपिंडी में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड के हुक्काम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चीफ एग्जीक्यूटिव पीसीबी का कहना था कि पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख का आज अहम दिन है। फखर है कि मेरे साथ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अहदेदारान बैठे हैं। उनका कहना था कि ऑस्ट्रेलिया के दौरे पाकिस्तान पर शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तानी अवाम की जानिब से तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहते हैं। फैसल हसनैन का कहना है कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज क्रिकेट से बढ़कर है। हालिया सीरीज से दुनिया को मजबूत और मजबूत पैगाम जाएगा। उनका कहना था कि पाकिस्तानी क्रिकेट मद्दाहों ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को अपने ग्राउंड पर देखने के लिए 24 साल का इंतजार किया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के हुकाम का कहना था कि ऑस्ट्रेलिया का दौरा पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए भी अहम है। पाकिस्तान में आज तारीखी दिन है, जिसके लिए हमने अनथक काम किया है। निक हॉकले का कहना है कि पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया की टीम का तारीखी इस्तकबाल किया गया है। पीसीबी और पाकिस्तान में क्रिकेट मद्दाहों का शुक्रिया अदा करता हूं। सीरीज से पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ताल्लुकात को फरोग मिला है। उनका कहना था कि पाकिस्तान में क्रिकेट की तैयारियां देखकर एतमाद मजीद बढ़ गया है। सीरीज से पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दोस्ती को भी फरोग मिलेगा। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। शादी करें आप, खर्चा उठाएगी हुकूमत। जी हाँ, दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जहाँ जोड़े को शादी करने पर लाखों रुपए दिए जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशहूर मुल्क इटली के इलाके लाजेव की, जो आबादी के लिहाज से मुल्क का तीसरा आबाद तरीन इलाका है। लाजेव के हुकाम ने 2022 में शादी करने वाले जोड़ों के तमाम अखराजात उठाने का ऐलान कर दिया है। शादी करने पर जोड़े को 2,000 यूरोज यानी 3 लाख पाकिस्तानी रुपए दिए जाएंगे। ये रकम शादी के लिए हॉल, खाने, कपड़े, फोटोग्राफर और दीगर खर्चों के लिए अदा की जाएगी। हुकाम का कहना है कि शादी करने वाले जोड़े को रकम देने का मकसद शादी के शोबे को कोरोना वायरस के नुकसान से बचाना है और इस मुतासर सेक्टर को दोबारा बहाल करना है। ये दिलचस्प पेशकश यकम जनवरी 31 दिसंबर 2022 तक है, जबकि इससे अतालवी शहरियों के साथ साथ गैर मुल्की सयाह भी मुस्तफीद हो सकेंगे। हुकाम के मुताबिक जोड़े को अपनी दरख्वास्तें और रसीदें फराहम करना होंगी, जिस पर उन्हें शादी पर खर्च की गई रकम अदा की जाएगी। इस इकदाम के लिए कुल 10 मिलियन यूरो मुख्तस किए गए हैं और रकम की वापसी के लिए दरख्वास्तें जनवरी 2023 के आखिर तक या फंड खत्म होने तक दी जा सकती हैं। लाजियो के सदर निकोलास निग्रेटी का कहना है कि इस मुहिम की जरूरत ऐसे शोबे की मदद के लिए है जो माशी बहरान से बुरी तरह मुतासर हुआ है। हमने सियाहत के शोबे पर भी बड़ी नजर रखी हुई है और इस पर भी सरमायाकारी की है। कोरोना वायरस के दौरान 9,000 जोड़ों ने शादी की, जबकि 2019 में ये तादाद 15,000 से ज्यादा थी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ओपीटीवी ग्लोबल। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.optvglobal.com। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिएगा। इक्वल जस्टिस अंडर लॉ। We haven't yet lived up to that promise marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back, because black lives matter, because we need to incarcerate less and educate more. Deserves justice.